दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने योलो कैब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताई, जैसे कि योलो कैब में आपको कितने रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा, कितना बेस फेयर मिलेगा और भी बहुत सारी जानकारियाँ थी, वो आप लोगों को दी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे योलो कैब में अपनी गाड़ी किस तरीके से अटैच करेंगे, किस तरीके से अपनी गाड़ी जो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, सब कुछ जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना जो है एक प्ले स्टोर खोल लेना है, मोबाइल ओपन करना है। मोबाइल ओपन करने के बाद आपको जाना है सिंपल सीधा सा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है, वो तो नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे ऊपर सर्च बार में क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको योलो कैब ड्राइवर। तो योलो कैब ड्राइवर लिख लेते हैं। योलो कैब ड्राइवर लिखने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाता है, आप अपने वीडियो के डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। तो अभी हमारे सामने सिंपल ऊपर वाला जो ऐप है योलो कैब ड्राइवर टैक्सी टाउन प्राइवेट लिमिटेड, इसी पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ और अलग सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो 4.3 इसके स्टार है और यहाँ पे 17 MB का ऐप है। कोई आपकी मोबाइल की स्टोरेज ज़्यादा ये यूज नहीं करने वाला है, ओनली 17 MB का जो ऐप है आपका। और इधर बात करें तो रेटेड 12+ और प्लस यहाँ 5K यानी 5000+ जो ड्राइवर्स हैं इसमें जुड़े हुए हैं। 5000+ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड है इसके अंदर। और अभी हमें इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड होने लग जाएगा। तो चलिए करते हैं। अभी कुछ हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अभी देखोगे तो यहाँ पर राउंड अप कर रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरा नेट स्लो हो। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे मोबाइल के अंदर जो ऐप है डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉलिंग जो है चल रही है। तो अभी और थोड़ा सा हम वेट करेंगे, आधी मिनट बस। तो यहाँ पे हो रहा है, होते ही यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, एक ऑप्शन आ गया ओपन का, यानी कि मेरे मोबाइल के अंदर जो है ऐप जो है बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अभी करना क्या होगा कि ओपन वाले जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अलग सा हटके इंटरफेस आ जाता है, आप वीडियो के डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट अलाउ परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे हम। एक्सेप्ट करने के बाद आगे यहाँ पे लोकेशन के लिए मांग रहा है, तो आपको देना पड़ेगा हमें, आप वैल यूजिंग द ऐप दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने ये सब काम कर लिया। अगर आप लोगों ने योलो कैब के अंदर अपनी गाड़ी अटैच कर रखी है या आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड है तो साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं साइन अप करता हूँ सीधा सिंपली। तो यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आ रहा है, जैसे कि आप वीडियो के डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें पहला अपना नाम देना है, जो हमारा नाम है फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है दिवेश कुमार, ठीक है, दिवेश कुमार यहाँ पे लग गया। मेरा फोन नंबर देना है यहाँ पे 8506871231, ठीक है। मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो मेल कर देता हूँ। और नीचे हमारा गाड़ी का टाइप, हमारी गाड़ी कौन सी टाइप की है, मिनी है, एसयूवी है या सेडान है। तो यहाँ पे मैं इसे मिनी ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आपको डमी तौर पर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे व्हीकल नंबर, यहाँ पे व्हीकल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे व्हीकल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे DL1RT 1953, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अगर आपकी GST बनी हुआ है, आपका GST नंबर आपके पास है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। GST नंबर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आज की कंपनियों में नहीं है, लेकिन इस कंपनी ने GST नंबर का ऑप्शन दिया है, जो कि आपका जो भी TDS कटता है वो आपके खाते में पहुँच जाए। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर रेफर, जिसने भी रेफर किया है आपको, उसका व्यक्ति का यहाँ पे नाम दे देना है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमें करना का है आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, तो इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखोगे तो ये जो एरो लग रहा है, येलो कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर का जो एरो है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया है। और आगे के लिए हमारा इंटरफेस नया ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स कि वो यहाँ पे डालने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या डालना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस डालना है एक, तो आधार कार्ड फ्रंट साइड से डालना है, टैक्सी का परमिट डालना है आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालना है आपको, RC डालनी है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट डालना है आपको यहाँ पे, और फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है और पीयूसी यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डालना है। और ड्राइवर इमेज विद कैप यानी कि अपनी जो टैक्सी है उस टैक्सी के सामने खड़े होके एक ड्राइवर का फोटो वो यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो यानी फ्रंट वाला तो यहाँ ऊपर ले लिया, बैक साइड वाला नीचे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड बैक साइड वाला फोटो है वो डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग जो है अगर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मांग रहा है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, टैक्सी परमिट, आरसी, इंश्योरेंस, इस सभी डॉक्यूमेंट्स को आप इसके अंदर जब फिल कर देंगे उसके बाद ये जो प्रोसेसर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप आसान तरीके से अपनी गाड़ी इसमें रजिस्टर्ड कर सकेंगे। अधिक जानकारी चाहिए आप लोगों को तो वीडियो के डिस्प्ले पर दिए हुए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आप लोगों का कोई और सवाल है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।